रकलेट के लिए जिस तरह मेरी बहन ने बोला है, फ्रेंच में दोबारा बोली रकलेट। आज के ब्लॉग में देखूंगा मैं आपको कॉफी पीते हुए, एक तुर्की दुकान में जाएंगे, तुर्की दुकान के अंदर एक इराकी कसाई के पास जाएंगे और उसके बाद ये सारा कुछ करके हम करेंगे घर पे राकलेट। राकलेट इज बैक, आज है हाउस पार्टी मेरे घर में, राकलेट बनाएंगे, आपको दिखाएंगे, आ जाओ मेरे साथ। दिन की कॉफी पी ली है और उसके बाद अब आपको आज के व्लॉग पे लेके चलेंगे। आज हमारे घर पे एक दावत है, आपको दिखाएंगे क्या क्या खाने खाते हैं हम बेल्जियम के अंदर। राकलेट पार्टी हो रही है दोबारा, आ जाओ लेट्स गो। लाहौर की ट्रैफिक से निकल गए, अब बेल्जियम की ट्रैफिक में फंस गए। इधर ऐसे ही रहता है यार मौसम, आप देख लो ग्लूमी ग्लूमी सा है। ऐसे हो तो मगरिब ही है लेकिन सारा दिन ऐसे ही रहता है, धूप कम ही निकलती है। आम तौर पे ना हलाल खाने वगैरह जो उनसे या हलाल गोश्त मिलता है अरबियों के पास या तुर्कियों के पास। अभी मैं जा रहा हूँ एक तुर्की दुकान पे जहाँ गोश्त बेचने वाले इराकी हैं। दिखाता हूँ आपको दुकान अंदर से, गोश्त भी देता हूँ साथ में। यहाँ के इराकी यहाँ लगेंगे लाइन में, क्योंकि यहाँ लाइन होती है। ये शॉप का कीमा शीमा देख लें, गोश्त वगैरह देख लें। जो हम अरबी की शॉप पे गया था तो वहाँ लाल लाइट थी, इस बॉस ने पर्पल लाइट जरा टिंट मारा हुआ है, क्योंकि गोश्त जो है वो जरा अच्छा दिखता है। हमारी जैसा सेबों के ऊपर मारते हैं लाल लाइट, ये इन्होंने गोश्त पे पर्पल लाइट मारी हुई है। अभी स्टेक के पीस काट के दे रहा है, बस ये स्टेक के पीस वगैरह काट के उसके बाद हम थोड़ा सा लेंगे सब्जी वगैरह जो घर पे है, लेकिन हमने सिर्फ लेनी है थोड़ा सा पुदीना और धनिया। यहाँ इस तरह लगी होती हैं, आपने सब्जी वगैरह लेनी हो ये कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखा हुआ है इन्होंने। मैं आगे जाके अभी यहाँ से लूँगा मिर्चें, ये अफ्रीकन मिर्चें हैं मेरे ख्याल से, अफ्रीकन मिर्चें और ये पुदीना। शॉपिंग होगी सारी और ज़्यादातर आप ये देखते होंगे कि मैं हमेशा शॉपिंग करता रहता हूँ, पर इसमें हमारा कसूर नहीं है, हम खाते ही बहुत हैं। अब जाएंगे अपने धनों के पास और ये देखिए अभी मैजिक टच, ये मैंने उंगली लगाई और धनों खुल गई। बाकी कोई ख़ास मैजिक है नहीं, क्योंकि इन गाड़ियों के अंदर आपकी जेब के अंदर पड़ी हो चाबी तो पहले ही आपको डिटेक्ट कर लेता है और हाथ लगाने से दरवाजे खुद ही खुल जाते हैं। जब मैं पाकिस्तान में था ये सारी चीज़ें याद करता था, ख़ास तौर पे अपनी गाड़ी को जिसके अंदर ऑटोमेटिक सब कुछ है। बाकी अभी जाते हैं घर और इसी तरह शाम भी हो गई है, यहाँ लाइटें वगैरह जलती हैं, बेल्जियम की निशानी है। अभी घर जाते हैं आपको दिखाते हैं राकलेट। ये एक और मशीन ली है मैंने, राकलेट क्या ग्रिल कह सकते हैं उसको, उस ग्रिल की मशीन को अनलॉक करते हैं, अनबॉक्स करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये जो ग्रिल लिया है इसके अंदर जो उनसे नीचे चीज़ रखने के लिए सामान वगैरह नहीं है, लेकिन जो मैं डाल रहा हूँ ये है ऑयल ट्रे, जो पर खाना पकेगा उसका ऑयल निकलेगा, ऑयल का जो भी बच जाएगा ऑटोमेटिकली ये जो मैं सुराख दिखा रहा हूँ सुराख से ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगा ट्रे के अंदर। सोचते हैं सारा कुछ है। काज भाई जी, भाई क्या बन रहा है अभी? ये बन रहे हैं स्पेशल आलू, आलू जो होंगे रोस्ट फूर में जिसके अंदर बेक होंगे, जो बेक होंगे जिसके अंदर तों टैं रोमारा नमक काली मिर्च, मैं फड़ा देता हूँ तों और नमक और काली मिर्च, नमक काली मिर्च तों टैं को वो हो गया सारा कुछ है। ये है बेक बेक पोटैटोस पटाटो। क्या बन रहा है काश भाई? ये बन रहे हैं नूडल्स, स्पाइसी नूडल्स। स्पाइसी नूडल्स का सामान है ये। English में क्यों बोल रहा है यार? Okay.
में ना एक एक स्टेक खाते हैं और आप देख ले हम कितनी स्टेक खाते हैं। अनलिमिटेड स्टेक्स। मेरा आखिरी पीस बन रहा है भाई, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त भाई। अपनी आखिरी प्लेट फुल करते हैं, इतना इतना तो खा रहे हैं आप, क्या बन रहा है इससे आपका? मैंने बहुत खाया, इसका फायदा ये सिर्फ पता नहीं लगता। रख लेते हैं अभी, आपने मीठे के लिए जगह भी बनानी है अभी। हाँ जी जनता, एज यूजुअल हम खाने पे ज़्यादा जोर दिया, व्लॉगिंग पे कम। तो तेरा मिसू था यहाँ आज मीठा, राखलेट के बाद तेरा मिसू हमने खा लिया, व्लॉगिंग करना भूल गए हैं। बाकी नाइट को करेंगे क्लोज, छोटा सा व्लॉग था बेल्जियम आके आपको दिखाने के लिए कि लाइफ थोड़ी सी नॉर्मल हो रही है पाकिस्तान के ट्रिप के बाद। बाकी अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।